The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. अगर आप अपने हेयर लॉस या हेयर के लिए थोड़े भी चिंतित हैं, परेशान हैं, कंसर्न्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक का डिस्कशन आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हेयर साइकिल या हेयर ग्रोथ कैसे होती है नहीं जानोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आप सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। और हेयर आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो दिखने में बाहर से तो बहुत सिंपल लगता है, अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है आपकी बॉडी के लिए। ये एक सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके आपको देता है। अगर आपके बालों को कुछ टच करता है, आपकी चमड़ी को टच करने से पहले आपके बालों को टच करता है, आपको पता चल जाता है कि कोई जलने वाली चीज़ें आप हटा देते हो, कोई कीड़ा काटा आप हटा देते हो। तो ये बाल आपके सेंसरी सेंसेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, पूरी बॉडी पे, बालों पे भी। सो इट्स वेरी प्रोटेक्टिव होते हैं, राइट? सो हेयर हैव अ रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट करते हैं, इवन जेंडर आइडेंटिफिकेशन, मर्द और औरतों में फ़र्क बताते हैं। सो हेयर जो हैं बनते हैं आपके कब से हैं, थोड़ा बैकग्राउंड में हिस्ट्री समझ लेते हैं, फिर इसकी साइकिल समझेंगे। और पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर साइकिल समझेंगे। कोई स्ट्रक्चर नहीं समझेगा तो साइकिल क्या समझोगे? सो जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत नहीं करते थे क्योंकि आप माँ के पेट में थे। जब आप माँ के पेट में थे और 22 वीक्स के थे, 22 वीक्स के थे, तब आपके हेयर फॉलिकल सारे के सारे बन जाते हैं। जी, आपके पूरे 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 हेयर फॉलिकल्स बन जाते हैं। और इस स्टेज में कितने हेयर फॉलिकल बनते हैं? 1,00,000, 2,00,000, 1,000,000, 5,000,000 हेयर फॉलिकल बन जाते हैं पूरी बॉडी में, सारे के सारे शरीर में, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और सिर्फ सर पे 1,000,000 हेयर फॉलिकल्स होते हैं। और एक 100 के आसपास जो होते हैं सिर्फ आपके, मतलब पूरी हेड में होते हैं, और जो हेड के ऊपर स्काल्प हो गया, इधर उधर सारी जगह पे आ जाते हैं, राइट? और ये एक आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हेयर फॉलिकल उसी समय होते हैं, और फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं, वो अलग बात है। लाइफ के साथ आप, क्योंकि ये बात याद रखिए, आप नए हेयर फॉलिकल जनरेट नहीं करते हो, आपके बॉडी के अंदर उस हेयर फॉलिकल से हेयर जनरेट होता है, लेकिन हेयर फॉलिकल उतते ही है। तो बचपन में माँ के पेट में जितने फॉलिकल आ गए, ये सिंपल सी बात है। और ज़्यादातर लोग ये नोटिस करते हैं कि उनकी स्काल्प हेयर, सर के बाल जो होते हैं, जैसे जैसे बच्चों से एडल्ट हो जाते हैं, वो ग्रो करते जा, वो डेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। हेयर तो ग्रो होते हैं, लेकिन डेंसिटी, थिकनेस कम होती जाती है। रीज़न इस कि आपका जो स्काल्प ग्रो होता है, सर तो बड़ा हो रहा है लेकिन हेयर फॉलिकल उतना ही है। तो जब उतने ही हेयर फॉलिकल ज़्यादा एरिया में घर जाएंगे तो एक डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट इज़ वन डेंसिटी कम हो जाएगी, समझ रहे हो? सो हेयर फॉलिकल होता क्या है? ये सी, हेयर के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग। फर्स्ट चीज़ है उसका फॉलिकल विच इज़ बेसिकली स्किन के अंदर, चमड़ी के नीचे होता है हेयर के अंदर फॉलिकल। ये चमड़ी है, चमड़ी के नीचे हेयर फॉलिकल होता है। और दूसरी चीज होती है जो हेयर का शाफ्ट होता है, जो बाम्बू होता है, जो लकड़ होता है, बेसिक वट एवर यू कॉल इट, द हेयर विच इज कमिंग आउट ऑफ द फॉलिकल, जो आपको दिख रहा है स्काल्प के ऊपर, दैट इज थिंग। और हेयर फॉलिकल एक टनल के जैसा होता है, छोटी सी टनल होती है वो भी, और वो आपके एपिडर्मिस यानी स्किन के ऊपर लेयर से डर्मिस तक, अंदर वाले लेयर तक जाता है। और इसके अंदर भी कई सारे लेयर होते हैं जो के अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग काम होता है। सबसे नीचे बेस ऑफ द फॉलिकल जिसको कहते हैं, बेस में सबसे नीचे जो होता है पैपिला होता है, इसमें कैपिलरीज होते हैं, इसमें खून सप्लाई होता है, इसमें ब्लड आता है। हेयर के शाफ्ट में कोई ब्लड नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, उसको काटोगे आपको दर्द नहीं होगा। फॉलिकल खींचने से खून निकलता है, याद है ना, इसीलिए दर्द होता है, क्योंकि वहाँ फॉलिकल से जब पैपिला सबसे नीचे वाली लेयर खींची जाती है, वहाँ होते हैं छोटी छोटी खून की नसें, कैपिलरी, जो कि नरिश करते हैं, जिसके मदद से हेयर फॉलिकल हेयर बनते हैं, शाफ्ट बनते हैं वहाँ पर। इसको जहाँ पे ये सबसे नीचे है पैपिला के जो लिविंग पार्ट है हेयर का, सबसे नीचे जो पैपिला
जो पैपिला के आसपास, मान लीजिए जैसे ये पैपिला होता है, ये पैपिला तो उसके आसपास ऐसे लिविंग पार्ट होता है, मान लो ऐसा पैपिला है और ऐसे लिविंग पार्ट हेयर का, फिर उसके बाद हेयर ऐसे जा रहा है, तो जो लिविंग पार्ट होता है हेयर का उसको कहते हैं बल्ब, वो पार्ट हेयर का लिविंग होता है, उसको काटोगे हेयर पूरा खींचोगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है, वरना नहीं होता। सो दैट इज द बल्ब, राइट। और ये बल्ब के जो सेल होते हैं ना, इसको डिवाइड होते रहते हैं थपा थप एवरी 23 to 72 आवर्स, मतलब हर 2 से 4 दिनों में, हर 2 से 4 दिनों में ये डिवाइड होते रहते हैं, और ये किसी और पूरी बॉडी के किसी और सेल से ज्यादा तेज डिवाइड हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, बहुत तेज, राइट। इसके अंदर फिर इसके ऊपर फिर शीथ होती हैं, दो शीथ होती है, इनर और आउटर फॉलिकल में, जो सराउंड करती हैं फॉलिकल को, और शीथ को जो वो प्रोटेक्ट करती है ताकि जो शाफ्ट है वो ग्रो हो रही है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिले, और शीथ हेयर शाफ्ट के वहां पर सिबेशियस ग्लैंड भी होता है, विच इज बेसिकली ऑयल ग्लैंड, और एपोक्राइन ग्लैंड भी होता है, जो सेंट ग्लैंड भी होता है, जिससे स्मेल सी आती है, तो सेंट और ऑयल ग्लैंड वही होते हैं जो हेयर फॉलिकल के अंदर होते हैं, और आउटर शीथ जो होती है वो पूरे ग्लैंड तक चलती है, ऊपर तक, और उसके ऊपर एक मसल भी होती है, जी हाँ एक मसल भी होती है हेयर के फॉलिकल में, जिसको कहते हैं इरेक्टल पिलाई मसल, जी हाँ, जो कि ग्लैंड और फाइबरस लेयर थे आउटर शीट तक अटैच होती है, बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए, बाल खड़े कैसे होंगे बिना मसल के, सो बाल खड़े होते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से, इरेक्टर पाइलाई मसल्स है जो बाल खड़े करती हैं, और ये मसल्स आपके मोस्ट ऑफ दी हेयर्स में होती हैं, वह इसको खड़े करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये छोटे छोटे बाल जल्दी खड़े हो जाते हैं, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं हेयर स्टैंड अप्स, राइट, और सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट कर देते हैं हेयर स्टैंड अप, और ऑयल सिक्रीट हो जाता है, सो दिस इज द काम ऑफ दैट थिंग, और सेबेशियस ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीबम या ऑयल सिक्रीट करने के लिए, जो कि हेयर को और स्किन को मॉइस्ट रखता है और अच्छी है उसकी कंसिस्टेंसी, नेचुरल फॉर्म में अच्छी रहती है, और प्यूबर्टी के टाइम पे आप जब जवान होते हैं, जवानी जब फूटती है तो बहुत सारी ग्रोथ आपके बॉडी के अंदर देखी जाती है, टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हॉर्मोन्स के, एस्ट्रोजन के इफेक्ट के वजह से, उस टाइम पे हेयर ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है, सारी बॉडी का हेयर ग्रोथ होता है, और ये सीबम भी बहुत ज़्यादा निकलता है, इसी वजह से आपको एक्ने भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू मेन, फीमेल में ये काफ़ी कम होते हैं, ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। और फिर हेयर के अंदर आता है आखिरी में शाफ्ट, जो आपको दिखता है, जो बाहर दिख रहा है वो शाफ्ट है, उसमें कोई जान नहीं है, तोड़ोगे काटोगे, वो गरीब को कुछ नहीं पता, तो शाफ्ट जो है ये प्रोटीन से बनी है, कीराटिन से बनी है, तो हेयर बनता प्रोटीन से है, तो बिना प्रोटीन खाए हेयर लॉस होगा भाई साहब, इफ यू आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट नहीं खा रहे हो, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट नहीं खा रहे हो तो हेयर लॉस होगा, कुछ कर लो, कोई दवा लगा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट, सिंपल एज अ पिंपल, रॉ मटेरियल नहीं है तो बनेगा कहाँ से घर, तो हेयर शाफ्ट इज मेड ऑफ प्रोटीन, कीराटिन नाम का प्रोटीन, कीराटिन में होती है 3 लेयर, और 3 लेयर में ये प्रोटीन एक्चुअली होता है डेड, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं, इसमें कोई नसों की बात नहीं, कोई कोई लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, राइट। सो जो इनर लेयर है वो मेड्यूला होता है, उसके ऊपर कॉर्टेक्स होता है, और सबसे बाहर क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल ऐसा उसके मान लीजिए कवरिंग होती है, क्यूटिकल जितना क्यूटिकल जुड़ा होगा, मान लीजिए कॉर्ड से जुड़ा हुआ क्यूटिकल है, उतना स्मूथ शाइनी हेयर लगेंगे, क्यूटिकल ऐसा फैला हुआ है, फंग 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 फूल खिले हुए हैं उसके, तो वो ड्राई हेयर हो जाएगा, क्यूटिकल उसके अंदर मॉइस्चर पकड़ के रखता है, तो क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, मेडुला अंदर, कॉर्टेक्स एंड क्यूटिकल, सिंपल, हायर शाफ्ट में 3 लेयर है, तो क्यूटिकल, कॉर्टेक्स जो होता है वो सबसे मेजॉरिटी पार्ट होता है, मेडुला छोटा सा होता है, क्यूटिकल तो बाहर का सिंपल सा सिंगल लेयर, सिंगल फ्लैप कवर होता है, राइट। सो कॉर्टेक्स और मेडुला जो होते हैं इसके अंदर हेयर के पिगमेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में और मेडुला में, जिससे कलर मिलती है, क्यूटिकल जो है उसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, वो कलरलेस, कलरलेस मान के चलिए। सो ये है बेसिक हेयर ग्रोथ कैसे, हेयर साइक, हेयर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ। देन कमिंग ऑन टू द ग्रोथ हेयर साइकिल, सी हेयर जो आपके स्काल्प पे बनते हैं, ये ग्रोथ इसकी जो रेट है 0.3 से 0.4 मिलीमीटर पर डे ग्रोथ है, इतना कम मिलीमीटर, मिलीमीटर इतना सा होता है, उसमें से भी 0.3 0.4 कतई आपको समझ में नहीं आने वाला है बड़ा कि नहीं बड़ा एक दिन में। सो एक साल में 6 इंच ग्रो होगा, बस 6 इंच एक साल में, वो भी अगर आपके पास सही न्यूट्रिशन है, सही केयर है तो, टूटे नहीं तो। सो
दूसरे मैमल्स, दूसरे जानवरों के मुकाबले ह्यूमन हेयर ग्रोथ और शेडिंग काफ़ी रैंडम होती है, कोई सीज़न हिसाब नहीं होता, कोई ऐसा नहीं कि इस सीज़न में हेयर जाएंगे। जैसे कुत्ते के बाल झड़ने का सीज़न होता है डॉगी के, वैसे हमारा कोई सीज़न नहीं होता, हमारे वैसे ही झड़ जाते हैं जय माता दी बोल के चलो मैं जा रहा हूँ, रोज के 100 बाल तक झड़ सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल राइट, ठीक है, एट एनी गिवन टाइम राइट, एनी गिवन टाइम नंबर ऑफ हेयर जो हमने बताया वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है हेयर के जो साइकिल है।